किसी जमाने विच सिख राज दी आखरी महाराणी महाराणी जिंद कौर दे गहणियां विच शुमार रहे चंद टिक्के दी लंडन विच बीते दिनी नीलामी हुई है। महाराणी जिंद कौर सिख राज दे महाराजा महाराजा रणजीत सिंह दी सब तो छोटी पत्नी सी। ये गहने बाद विच विरासत वजो उन्हां दी पोती राजकुमारी बंबा सदरलैंड नूं मिले सन। बोनेहैम्स इस्लामिक अते इंडियन आर्ट सेल विच महाराणी दा रतन जड़िया चंद टिक्का 62,500 पौंड दी बोली ते नीलाम होया। इस तो इलावा 19वीं सदी दी होर भी कई दुर्लभ कलाकृतियां भी इस मौके नीलाम कीतियां गईयां। बोनेहैम सेल दे नीलाम कीती जा रही ज्वैलरी दे नाल एक इतिहासिक ब्यौरा भी दिता है। जे महाराणी जिंद कौर दे जीवन दी गल करिए तां महाराणी जिंद कौर दा जीवन संघर्ष भरिया सी। महाराणी जिंद कौर दा जन्म पिंड चाड़ तहसील जफरवाल जिला सियालकोट विखे सरदार मन्ना सिंह औलख दे घर 1817 विच होया। उन्हां दा विआह महाराजा रणजीत सिंह नाल होया। महाराजा रणजीत सिंह दीआं होर भी कई राणियां सन पर महाराणी दा खिताब सिर्फ जिंद कौर नूं ही हासिल होया। महाराणी जिंद कौर ने 4 सितंबर 1838 विच पुत्र दिलीप सिंह नूं जन्म दिता। दिलीप सिंह 9 महीने 24 दिन दे सन जदों पिता महाराजा दिलीप सिंह दा 27 जून 1829 नूं देहांत हो गया। हजे उन्हां दे विआह नूं सिर्फ 2.5 साल ही होए सन। उन्हां दे देहांत तों बाद उन्हां दा पुत्र महाराजा शेर सिंह जो राज उत्ते बैठे सन उन्हां दा 8 साल दा पुत्र टिक्का प्रताप सिंह नूं लहणा सिंह अते उस दे भतीजे अजीत सिंह ने गोली मार के मार दिता सी। लहणा सिंह ने महाराणी जिंद कौर तों दिलीप सिंह नूं लिया के 16 सितंबर 1843 नूं तख्त उत्ते बिठा दिता। उस वेले दिलीप सिंह दी उम्र 5 साल 11 दिन सी। नाबालिग बच्चे दे मत्थे ते खून दा लगा टिक्का वेख के महाराणी जिंद कौर चिंतित हो गई। इस सब दे बाद ध्यान सिंह डोगरे दा पुत्तर हीरा सिंह ने गुस्से विच आ के लाहौर दरबार उपर फौज चाढ़ दित्ती। फौज ने लहणा सिंह अते उस दे भतीजे अजीत सिंह नूं मार दिता। अजीत सिंह अते लहणा सिंह दी मौत तो बाद हीरा सिंह वजीर बन गया अते महाराणी जिंद कौर नूं सरप्रस्त ला दिता गया। हीरा सिंह डोगरा वल्लों महाराणी नूं जानों मारन दी कोशिश कीती गई। इस सारे वाके तो बाद महाराणी जिंद कौर ने अपने भरा जवाहर सिंह नूं वजीर बना दिता। सिखां अते अंग्रेजां दी आखरी जंग जिस विच डोगरिया दीआं बदनीत चालां करके सिख हार गए। इस लड़ाई तो बाद सिख राज दा सूरज सदा लई डुब गया। अंग्रेजां ने महारानी नूं समन बुरज लाहौर नज़रबंद कर लिया। 16 मई 1848 नूं इक कैदी दे तौर ते महारानी जिंदा नूं पंजाब तों बनारस भेजिया गया अते उस तों बाद उन्हां नूं मार्च 1839 विच चिनार किले भेजण दा फैसला कीता गया। उत्थे एक नौकराणी दी मदद नाल महाराणी दा संपर्क नेपाल दे राजा नाल होया अते राजा ने सारी दास्तान सुनन मगरों मां पुत्तर दा मिलाप करवाउण दी हामी भरी। नेपाल दे राजे जंग बहादुर ने मां पुत्तर दे मिलाप वास्ते अंग्रेजां नूं चिट्ठी लिखी। अंग्रेजां ने कलकत्ते मिलण दी आग्या दे दित्ती। मां 13 साल बाद पुत्तर नूं मिलण वास्ते कलकत्ते आ गई। महाराणी जिंदा दे पुत्तर दी विछोड़े विच विरलाप करदी दीआं अखां दी रोशनी जा चुकी सी। उसने पुत्तर नूं गलवकड़ी विच लै के प्यार कीता। हौली हौली अपने पुत्तर दी पछाण करदी करदी अपना हाथ उस दे सिर उत्ते लै गई। महाराणी उस दे सिर ते जूड़ा अपनी हत्थी करिया करदी सी अते अज उस दे सिर उत्ते कीते जूड़े नूं अते पग बन्नी नूं वेखना चाहुंदी सी पर वाल कट्टे होए होण करके पग ना बन्नी अते ना जूड़ा हथ विच आया। जद मूँह ते हथ फेरिया तां ओह वी साफ सी। फिर ओह तां हां मार मार रोण लग पई। कलकत्ते तो वापस जाण समें दिलीप सिंह अपनी माता नूं नाल ही इंग्लैंड लै गया पर उत्थे मां पुत्तर नूं इकट्ठे ना रहण दिता गया। दिलीप सिंह नूं लंडन विच रख्या गया जदकि जिंद कौर नूं कैंगस्टन विच रख्या गया। महाराणी जिंद कौर ने अपने पुत्तर दिलीप सिंह नूं कहा कि जद मैं मर गई तां मेरा शरीर इत्थों लै जा के महाराजा रणजीत सिंह दे चरणां विच रख देवीं अते मेरा संस्कार भी मेरे साईं दी यादगार दे कोल ही कर देवीं। महाराणी जिंदा दी 1 अगस्त 1963 नूं कैंगस्टन विखे मौत हो गई अते दिलीप सिंह नूं अपनी माता दा शरीर भारत लै जाण दी मंजूरी 6 महीने बाद इस शर्त उत्ते मिली कि ओह उसदा संस्कार पंजाब विच नहीं कर सकते। दिलीप सिंह अपनी माता दी मृतक देह नूं मुंबई लै गया। नासिक विच नर्मदा दरिया दे कंडे उत्ते उसदा संस्कार करके वापस मुड़ गया।
महाराजा दलीप सिंह की लड़की शहजादी बंबा के विआह तो बाद उसने अपनी रिहायश सिख राज की राजधानी लाहौर विखे गुलजार नामी बंगले विच कर ली। जो काम उसके पिता दलीप सिंह तो ना हो सकया वह काम उसने कर विखाया। उसने अपनी दादी की अंतिम इच्छा नू पूरा करदिया जिंद कौर की नासिक विच बनी समाध नू पुट के उतो अस्थियां कढ के लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की समाध कोल दब दित्तियां। इस तरह महाराणी जिंदा की दुखदाई जिंदगी का अंत होया।